सो फिर जो है आज की इस वीडियो में बात करने से पहले इस वीडियो का टॉपिक जो है समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम जो वीडियो बना रहे हैं ये किसी को समझ में ना आए, क्योंकि आज के इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा दूसरा होगा। और कल होता है कि क्या अगर हम परफ्यूम्स और डीपी ऑयल को कुछ दिनों के लिए इस तरीके से जार में पैकिंग करके रख दें, वो 3 दिन 4 दिन हफ्ते दिन 15 दिन या फिर महीने दिन अगर हम भर के रखते हैं तो इससे क्या हमें फायदा होगा या फिर नहीं, क्या इससे एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है, और क्या इससे जो है परफ्यूम हमारी बूस्टिंग हो जाएगी, क्या इस तरीके से चीजें करने से जो है हमें कुछ फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, क्या यही चीजें जो है बड़ी कंपनियों जो है हमेशा करती आ रही हैं जिसके कारण उसके अगरबत्तियां काफी ज्यादा बिकती है मार्केट में, क्या यही कारण है कि जो है बड़ी कंपनियों की अगरबत्तियां ज्यादा बिकती हैं और जो है हमारी अगरबत्तियों को लोग जो है लोकल समझते हैं। ये जो है क्वेश्चंस काफी सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स का है जो कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कोई दिन मुझे कमेंट्स में देखने को मिलता ही रहता है कि सर क्या परफ्यूम में ये चीजें करने से हमें फायदा होगा या फिर नहीं। तो ये प्रैक्टिकल वीडियो होगा, तो यही था एक आज का जो है टॉपिक। और सबसे पहले जो है मैं शुरुआत करता हूँ, और जिस तरीके से ये चीजें हमने करके रखी हुई है तो ये है हमारे पास डीपी प्लस परफ्यूम्स, इसमें हमने लिखा हुआ है डीपी ऑयल और परफ्यूम जिसका एक डाइल्यूशन रेशियो हमने तैयार किया है 1:4, मतलब 5 kg का ये कंपाउंड बेसिकली होता, बट हमने 1/2 liter में इसे ट्राई किया है की हुई है। वीडियो का टॉपिक मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, ये 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले हमने क्या किया कि ये हमारा जो है जैस्मिन का परफ्यूम है, इस परफ्यूम को हमने जो है एक रेशियो में तोड़ा और ये रेशियो है 1:4, 1:4 के रेशियो में हमने इसे जो है मिक्स किया और मिक्स करने के बाद एक जार में जो है भर के रख दिया। उससे पहले हमने डीपिंग भी कर लिया था, प्रोसेस यही है कि हमने पहले मिक्स किया, सीधा कुछ नहीं किया, इसमें एक परफ्यूम लिया जो कि 500 ग्राम था, उसमें हमने 2 लीटर जो है डीपी ऑयल लिया। सपोज अभी 1/2 liter का प्रोसेस है तो हमने दोनों चीजें आधी आधी ली है, 1/2 liter परफ्यूम लिया जिसमें लगा हमें 2 kg डीपी ऑयल, और इसे जो है तुरंत हमने इस बाल्टी में डाल के डीप कर दिया, और डीप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये अगरबत्तियां जो है डीपिंग की हुई है। और दूसरा टॉपिक ये हमारा होगा कि ये हमने मिक्स करके रखा हुआ है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब ये 3 दिन पहले हमने मिक्स किया हुआ था जो कि शुक्रवार को हमने ये प्रोसेस किया और मिक्स करके हमने रख लिया कि एक्चुअल में जो सही रिजल्ट है वो किस तरीके से आएगा, क्या ऐसे करने से परफ्यूम में बूस्टिंग होगी, क्या क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, क्या परफ्यूम की लास्टिंग बढ़ेगी, क्या हमारी अगरबत्तियां जो गुड क्वालिटी में बनेगी या नहीं। तो 3 दिन पहले हमने मिक्स करके रखा और आज जो है डीपिंग करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। सामने आप बर्तन देख रहे होंगे, तो फिर इसमें हम जो जितना हमारा ये रेशियो तैयार हुआ था जिसको हम कर देते हैं अभी ट्रांसफर, तो ये हो गया हमारा खुल गया, अब यहां से जो है हम इसे डालने की कोशिश करते हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें परफ्यूम्स प्लस डीपी ऑयल दोनों मिक्स्ड है और ये पूरा सॉल्वेंट जो है हम इसमें डाल देते हैं, मतलब जो पूरा हमारा रेशियो तैयार हुआ है वो हमने यहाँ पे डाल दिया और जो है डिब्बे को रख दिया हमने साइड पे। अब इसके बाद जो है हम कर लेते हैं डीपिंग, सबसे पहले हम ये ब्लैक अगरबत्ती कर लेते हैं और जो है इसके जस्ट बाद हम रिजल्ट भी देखेंगे कि आखिर बदलाव क्या होता है, फर्क क्या आता है। तो इस तरीके से हमने ये चीजें डुबा दी, ये हमारा जो है ब्लैक हो गया। अब इसी बीच हम कर लेते हैं व्हाइट अगरबत्ती को, ताकि दोनों में एक रिजल्ट हमें जो है देखने को मिल जाए कि क्या बड़ा अंतर जो है होने वाला है। सो फिर ये व्हाइट और ब्लैक हमारा डिपिंग हो चुका है और इसे थोड़ा सूखने के लिए खाली 15 मिनट का टाइम जो है हमको देना पड़ेगा।
तो फिर जो है हमें दोनों को डीपिंग किए हुए 15 मिनट लगभग हो चुके हैं, और अभी परफ्यूम हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना इसमें सूखा हुआ है। लगभग लगभग परफ्यूम जो है पूरी तरीके से सूख गया है, हालांकि इसे 7 से 8 घंटे का टाइम देना होता है, लेकिन क्या है अभी हम वीडियो में इन चीज़ों को कर रहे हैं तो ज़्यादा लंबा समय नहीं दे पाएंगे। ये एक ट्रायल और एक पैट्रिकल वीडियो आप समझो। अगर आपको इन चीज़ों को एक ट्रायल करनी है तो आप अपने घर में बैठ के आराम से इन चीज़ों को वीडियो देख के आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारी ब्राउन अगरबत्ती है, उसको भी हम देख लेते हैं, जो कि ये भी जो है डीपिंग होने के बाद सूख चुका है, थोड़ा बाकी है, लेकिन फिलहाल अभी तो हमें ट्राई जो है करना पड़ेगा। और जो है इधर हमने रखी हुई 3 दिन पहले की डीपिंग की हुई अगरबत्ती, तो सबसे पहले हम जो है ट्राई करते हैं 3 दिन पहले वाली अगरबत्ती, ताकि हमको इसका रिजल्ट पता लगे कि आखिर में ऐसा करने से क्या जो है हमें कुछ फायदा होगा या फिर नहीं। तो ये हमने लाइटर रखी हुई है, सबसे पहले से हम ट्राई कर लेते हैं और स्मेल चेक कर लेंगे। और ये आप अपने घर में, फैक्ट्री में या कहीं भी आपको जगह मिले वहां करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ये हमने पहले जो है डीपिंग किया हुआ था, इसका थोड़ा स्मेल लाइट वेट है, मतलब जो फ्लावर का एक्चुअल में टोन है वैसा तो आ ही रहा है, और जो जिस तरीके से हम डीपिंग करते हैं नॉर्मल जिस तरीके से हमारा प्रोसेस होता है, और इसमें स्मेल भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब जिस रेशियो में हमने इसे तोड़ा हुआ है उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी लगभग सही है। और जो इसके बाद आती है हमारी इसकी बारी, जिसको हमने अभी डीप किया, जो कि हमारा मेन पॉइंट था कि क्या 3 दिन 4 दिन या हफ्ते दिन तक परफ्यूम और डीपी ऑयल को मिक्स करने से परफ्यूम जो है बूस्ट हो जाता है या फिर पावरफुल हो जाता है, तो ये सच है या फिर नहीं। एक तो हमने जला ली, दूसरी ये है हमारी कि 3 दिन डीपिंग करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, जलाने के बाद ही पता लगेगी। तो फिर ये हमने जला तो लिया, अब इसका स्मेल टेस्ट करने पर देखते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। थोड़ा सा दूर हो जाते हैं क्योंकि उसका भी फ्रेग्रेंस जो है इधर ही आ रहा है, मतलब धुआं जो है उसका भी फैल रहा है। और देखा जाए तो कुछ बड़ा चेंज जो है देखने को नहीं मिल रहा है, और लगभग लगभग देखा जाए तो क्वालिटी बराबर ही समझो आप। थोड़ा हाँ ये चीजें हो सकती हैं कि ये लास्टिंग कर सकती है, बट इसका ट्रायल 3 से 4 महीने तक हमें कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। उसके साथ हम जो है ब्लैक अगरबत्ती भी डीप किए, इसके भी थोड़ा सा जला के देख लेते हैं। सो फिर कुछ इस तरीके से हमने ब्लैक अगरबत्ती भी जला लिया। अब जो है इसका स्मेल अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो वैसे देखा जाए तो सही है, बट इसका एक सही रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब इसे आप एक सही प्रोसेस में आप इसे करके जलाएंगे। इसका सबसे बेसिक फंडा यही है कि डीपी ऑयल और परफ्यूम को ब्लेंडिंग करके रखना। ब्लेंडिंग का मिक्स ये है जो परफ्यूम्स के केमिकल है और जो डीपी ऑयल्स के केमिकल है। सपोज ये हमारा परफ्यूम हो गया और ये डीपी ऑयल हो गया, अब इन दोनों को जोड़ के रखने के लिए इन दोनों के जो केमिकल्स होते हैं वो आपस में मिलना चाहिए। तो ये मिलने का प्रोसेस एक दिनों पे अगर रखते हो आप, 10 से 12 घंटे के लिए भी रख देते हो, तो ये दोनों की ब्लेंडिंग प्रोसेस हो जाती है। तो काहे का अपना इतना समय लगा के इसे 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन या महीने दिन तक रखने से कोई फायदा नहीं है, अगर वो चीजें एक दिन पे काम कर जाती हैं तो। और इससे दूसरा रिएक्शन ये भी हो सकता है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप रखते हो तो या तो आपका परफ्यूम खराब भी हो सकता है, पैसे बर्बाद होंगे वो अलग, फ्रेग्रेंस चेंज हो जाएगा, अगर डीपिंग करके रखते हो मार्केट में हो जाता है तो मार्केट खराब होने का भी प्रोसेस ये हो सकता है। और काफी सारे लोगों का ये कंप्लेन भी था कि हमने डीपी ऑयल और परफ्यूम मिक्स करके रख दिया था, दिमाग से चीजें उतर गई और 1 महीने हो गए, और जब हमने डीपिंग किया तो परफ्यूम का रिएक्शन चालू हो गया, मतलब परफ्यूम बदबू करने लग गई, लास्टिंग नहीं किया या तो स्मेल ही गायब हो गई। तो ये कंप्लेन मैंने काफी सारे लोगों के मुंह से सुना, इसलिए मैंने ये प्रोसेस किया। अगर आपका जो है एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहली चीज है परफ्यूम होनी चाहिए, कोई भी कंपनी का, किसी भी अच्छी कंपनी का परफ्यूम ले ले, और रॉ मटेरियल्स आपके सही होने चाहिए, जैसे कि रॉ अगरबत्तियां हैं तो सबसे बड़ी चीज रॉ अगरबत्ती और रॉ मटेरियल्स
और हमारा परफ्यूम और हमारा ये डीपी ऑयल, बाकी कोई बड़ी चीज नहीं है। इन तीनों चीजों को अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो आपका परफ्यूम बूस्ट होगा, क्वालिटी अच्छी होगी और मार्केट से भी अच्छा रिस्पॉन्स आपको जो है देखने को मिलेगा। अलग लेकिन बेसिक लेवल पे यही तीन चार चीजें हैं और बस इतने पे भी आप अगर अच्छे से काम करना या प्रोसेस करना शुरू कर दो तो आपकी भी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अच्छी से अच्छी हो जाएगी और आपका भी अगरबत्ती बूस्ट कर जाएगा। सो फिर यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।